आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चटपटी और मसालेदार रेसिपी, राज कचौरी। राज कचौरी को कचौरियों का राजा बोला जाता है। इसे राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ढेर सारा फ्लेवर होता है, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन, मसालेदार, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, इसलिए इसे राजा बोला जाता है। राज कचौरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो हर किसी का फेवरेट होता है और हर किसी को पसंद भी आता है, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से इसे बनाकर खा पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। राज कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा लेंगे। आप मैदे के साथ साथ आधा मैदा और आधा आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ खस्ता कचौरी बना रही हूँ तो मैंने मैदा लिया है, और आधा कप मैंने यहाँ सूजी ली है, ये बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटे वाली है तो आप मिक्सी में पीस कर उसे पतला कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा, आधी छोटी चम्मच यहाँ नमक डाल रहे हैं हम, और 2 बड़े चम्मच हम तेल डाल रहे हैं। आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं, उससे बहुत ही खस्ता और कुरकुरी हमारी कचौरी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मसल मसल कर मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मुट्ठी में ऐसे होल्ड करके हम देखेंगे आटे को। मुट्ठी में अगर होल्ड हो रहा है आटा तो बनकर ये तैयार है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका आटा लगाएंगे। जैसे पूरी का हम आटा लगाते हैं, एकदम वैसा ही हमें आटा लगाना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। तो इसका पूरी की तरह हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा बना है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। देखिए, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए आटे को अच्छे से सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, अब 20 से 25 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। आटा एकदम अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम इसे हल्का सा तेल लगाकर इसे 1 से 2 मिनट मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। देखिए, अच्छे से चिकना हो गया है। अब हमें जितनी बड़ी या छोटी कचौरियाँ चाहिए उसी के हिसाब से हम इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल चिकनी हमें लोइयाँ बनानी है, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं सेम ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। लोइयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें बेल लेंगे। बेलने के लिए यहाँ मैंने चकला लिया है और बेलन, इस पे हल्का सा हम तेल लगा लेंगे। कचौरियों पे आप जब पूरी आप बेल रहे हैं तो तेल लगा सकते हैं, या आपका आटा बिल्कुल नरम है, थोड़ा सा नरम है, तो आप सूखा मैदा भी ले सकते हैं। तो चलिए इन्हें अच्छे से बेल लेंगे, और ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं या पूरियाँ बनाते हैं सेम ऐसे ही ये बेलनी है। पूरियाँ हल्की सी छोटी होती हैं, रोटी थोड़ी सी बड़ी, तो हम रोटी से थोड़ा सा छोटा इसको बेलेंगे और पूरी से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसमें स्टफिंग करनी है। और देखिए, इतनी पतली हमें बेलनी है, और बेल लेते हैं। किनारों से बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए, जैसे पूरियाँ हम बेलते हैं सेम ऐसे ही इनको बेलना है। अब फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल मैंने यहाँ गरम कर लिया है और थोड़ा सा डो हम उसमें डाल के देख लेंगे। देखिए, ये एकदम से डालते ही ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। कचौरियाँ तलने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए, जैसे पूरियों के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए, ऐसे ही कचौरियों के लिए। अब दबा दबा के हम इसे ऐसे दबाएंगे तो ये फूल जाएंगी। तो पलट के हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब हम कचौरियाँ यानी कि राज कचौरी जब हम बनाते हैं तो गैस की फ्लेम को, पूरी डालने के तुरंत बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और दोनों तरफ से अच्छे से तेल डाल डाल कर इसको हम क्रिस्पी बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी और कड़क होती हैं। तो ऐसे हम इसको तैयार करेंगे। पूरियाँ नरम होती हैं, अगर आप तेल इस पर नहीं डालेंगे तो ये ज़्यादा देर के लिए कड़क नहीं रहेंगी। देखिए, ये बिल्कुल कड़क है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है, निकाल लेते हैं।
राज कचौरी की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ कुछ चीज़ें ली हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ उबली हुई मूंग ली है, इसको भिगो लिया था और उबाल लिया है। और 1 बड़ा मैंने आलू लिया है, उबला हुआ आलू है, इसको छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसके कर लिए हैं। और 1/2 कप मैंने यहाँ छोले लिए हैं, इसको भी रात भर भिगो दिया था और फिर 6 सीटी लगाकर मैंने इसे उबाल लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ सेव ली है। इमली की चटनी ली है, इमली की चटनी की वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है और हरे धनिया की चटनी ली है, इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इसका भी लिंक मैंने दे दिया है, चेक कर लीजिए। थोड़ी सी मैंने यहाँ दही ली है जिसको अच्छे से फेंट लिया है और इसमें 1/2 चम्मच मैंने चीनी डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया है। हल्की सी मीठी दही इसमें चाहिएगी हमें। और फ्रेशनेस के लिए मैंने अनार के दाने लिए हैं जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और फ्रेशनेस भी आएगी। और मैंने कुछ यहाँ पापड़ी ली हैं, पापड़ी आप घर पे भी बना सकते हैं या मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएगी, ये मैंने घर पे ही बनाई है तो ये ले लेते हैं। कुछ सूखे मसाले, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ काला नमक लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे एकदम कड़क ये बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल फूली हुई है, तो तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है एकदम कड़क एकदम क्रिस्पी है ये, और देखिए फूली हुई है बिल्कुल एकदम गोलगप्पे की तरह। गोलगप्पा छोटा होता है लेकिन ये बड़ी होती है। और इसमें खूब सारी हम स्टफिंग करेंगे। अभी पहले हम डाल लेंगे पापड़ी, फिर हम आलू डाल लेंगे, छोले डाल लेते हैं, छोले की जगह आप चने भी ले सकते हैं जो काले चने होते हैं। अब मूंग डाल लेते हैं, दही डाल लेंगे, इमली की चटनी डाल लेते हैं। इमली की चटनी भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और हरी चटनी डाल लेते हैं, फिर थोड़े मसाले डाल लेंगे, भुना हुआ जीरा, नमक, चाट मसाला और फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची। और फिर दोबारा से फिर सेम वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, पहले आलू फिर छोले फिर हम मूंग डाल लेंगे ऐसे, और फिर थोड़ी सी दही। यहाँ स्टफिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आपको अगर प्याज पसंद है तो आप प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं या पत्ता गोभी, गाजर, जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कीजिए जो आपको पसंद हो। हल्का सा इसे डेकोरेट कर देंगे, जैसे आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। इसमें खूब सारा हमने स्टफिंग डाल दी है, थोड़ी सी सेव डाल दी है, थोड़ा सा आम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे जिससे और भी अच्छा लगेगा ये, और ऊपर से हम अनार के दाने जिससे देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और खाने में तो एकदम टेस्टी। ये लीजिए राज कचौरी बनाकर मैंने तैयार कर ली है, एकदम टेस्टी एकदम मसालेदार ये बनकर तैयार हुई है। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। और देखिए मैंने इतनी ज़्यादा इसमें स्टफिंग की है फिर भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, एकदम कड़क कुरकुरे। तो आप भी बनाइए, दिवाली का त्यौहार आ गया है तो दिवाली पर कुछ मीठा ही नहीं आप कुछ चटपटा मसालेदार भी बना सकते हैं। तो राज कचौरी आप बनाइए खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और आप फैमिली में फ्रेंड में या फिर सोशल साइट पर आप इसे शेयर कर सकते हैं और इस दिवाली आप कुछ मसालेदार भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।